देखिए बेटे, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, और डेप्थ में आएगा ही नहीं। डेप्थ में तो हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारे टॉपिक हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें याद करते चले जाइए। पहली बात तो ये, हमारे पास राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में जो एंगल 90 डिग्री होता है, उसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब हमारे पास होता क्या है, दो एंगल हैं और दो हमारे पास, ठीक है, साइड्स हैं। तो जो भी आप एंगल लेंगे, हम एंगल बी को यूज कर चुके और बी के सामने वाली साइड को यूज कर चुके। तो अगर हम बात करें एंगल सी की, तो सी की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और थर्ड साइड जो हमारी रह गई उसे हम कहेंगे बेस। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो फिर एंगल ए के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। और फिर थर्ड साइड जो बचेगी वो बेस है। थर्ड साइड बेस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं एंगल बी है, तो उसके सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो हो गया ए सी, ये तो हो गई फिक्स। लेकिन अगर आप एंगल ले रहे हैं सी, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी सी के सामने, और बेस होगा ए सी बी सी। और अगर आप एंगल सी एंगल ए ले रहे हैं, तो ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बेस। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये तो मैंने आपको बताया। अदरवाइज क्या होगा, ये सपोज करो हमारे पास 90 डिग्री एंगल है या राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर, और हम ये कह दें एंगल क्यू 90 है, तो ये तो फिक्स हो गया हाइपोटेनस। अब हम सपोज करो एंगल पी की बात करते हैं, पी हमारा थीटा है, थीटा यहाँ सिंबल है एक्स वाई जेड थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और थीटा के जो बराबर में एडजेसेंट साइड वो बेस होगी। तो ये आपको पहचान करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो पहली चीज तो साइड के नाम आपको आने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इन तीनों में रिलेशन होता है, वो सब बच्चों को पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब अगर हमें इस ट्राइंगल में दो साइड दे दे, मान लीजिए हमसे कह दे कि हाइपोटेनस जो है वो 10 है और परपेंडिकुलर जो है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे, हम पी क्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो बेस स्क्वायर इज 36, तो बेस इज इक्वल टू 6। तो राइट ट्राइंगल में ये हमारे पास यूज होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल, तो इस राइट ट्राइंगल में आपके पास तीन साइड हैं। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं थीटा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस। तो इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड हैं, इन तीन साइड से 6 रेशो बनते हैं। रेशो कौन कौन सा, एक रेशो बनेगा पी बाई एच, एक रेशो बनेगा बी बाई एच, एक रेशो बनेगा पी बाई बी, और तीन इनके रेसिप्रोकल, मतलब एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। तो ये 6 रेशोज होते हैं। तो होता क्या है, किसी भी राइट ट्राइंगल में
ये साइड्स के रेशो हमेशा फिक्स होते हैं किसी एक एंगल के लिए। किसी एक एंगल का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास जो एंगल है, अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो फिर ये जो साइड्स के रेशो हैं P/H, B/H, P/B, ये सारे रेशो फिक्स होंगे हर ट्राइंगल में जिसमें भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री मतलब सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये छोटा ट्राइंगल, और उसमें भी एंगल 30 ही है, तो जो बाहर वाले का P/H का रेशो है वो ही अंदर वाले का P/H का रेशो होगा। इवन मैं आपसे कह दूं मेरे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, ये तो मैं इसी जगह बना रहा हूं, कहीं पे भी हो सकता है, और उसमें जो एंगल है वो भी 30 है, तो उसका P/H का रेशो भी सेम होगा। इसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं कि रेशो ऑफ साइड्स इज सेम फॉर द पर्टिकुलर एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन रेशियोज का फिर हमने नाम रखा कि भाई P/H को हम साइन कहा करेंगे, B/H को हम कॉस कहा करेंगे, P/B को हम टेन कहा करेंगे, H/P को हम कॉसक कहेंगे, H/B को हम सैक कहेंगे, और B/P को हम कॉट कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 रेशोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसक, सेक, कॉट। इसको बहुत इजीली, बहुत ही जिसे कहना चाहिए लॉजिकली हम याद कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये है पंडित, बद्री, प्रसाद। और पंडित जी क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, हर हर बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारे पास बेसिकली रेशो आ गए P/H, B/H एंड P/B। तो P/H को हमने कहा साइन, और इसके रेसिप्रोकल को H/P को, ऊपर से नीचे ले रहे हो तो P/H, नीचे से ऊपर ले रहे हो तो H/P, इसको हमने कहा कॉसक। B/H को हमने कहा कॉस, और H/B को हमने कहा सेक, P/B को हमने कहा टेन, और B/P को हमने कहा कॉट। ये हमारे पास 6 रेशोज हैं, P/H, B/H, P/B, H/P, H/B एंड B/P, साइन, कॉस, टेन, कॉसक, सेक, कॉट। सिंपल सी बात क्या है जो आपसे पूछ सकता है ज्यादा ज्यादा, कि भाई ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिए। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इसका नाम हमने लिख दिया PQR। आपसे क्या कह रहा है, सर ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। आपसे कह रहा है सर साइन आर बताइए, तो एंगल आर के लिए रेशो पूछ सकता है, या आपसे कह सकता है नहीं सर आप जो है साइन पी बताइए। तो एंगल पी के लिए रेशो पूछ सकता है। अब जो मैंने आपसे कहा अगर आपको एंगल आर के लिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, तो आप कर सकते हैं, अगर पी के लिए जानते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। तो तीनों साइड कैसे निकालोगे, हमें सबसे पहले पी आर निकालना पड़ेगा। पी आर निकालने के लिए हम पाइथागोरस चलाएंगे, क्या चलाएंगे भाई, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा वो 3² + 4² के इक्वल होगा, यस और नो। हाँ भाई इतना तो पता है ना सबको, सर, यस सर, हाइपोटेनस का यस स्क्वायर सर, परपेंडिकुलर का प्लस बेस स्क्वायर हो जाए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर √5, तो पी आर हमारा 5 आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको 5 निकालना। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ साइन आर निकालो, तो सबसे पहले आप सोचो साइन होता क्या है, तो अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा सा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला वाला साइन, तो साइन क्या है P/H, तो P हमारा क्या है, हम एंगल आर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगर एंगल आर की बात कर रहे हैं तो उसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा,
तो 3/5 आ गया समझ में या नहीं आया? ठीक जी सर। है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए साइन पी निकालो, साइन पी देखो, साइन तो अब भी पी बाई एच रहेगा, लेकिन अब आप एंगल ले रहे हो पी का, तो अगर आप एंगल पी ले रहे हो तो पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? फोर। तो अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, अब हो जाएगा 4/5। तो एक तो सिर्फ क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशो निकलवाए, सिर्फ एक रेशो, दो रेशो ना निकलवाए। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि नहीं आपसे ज्यादा रेशो निकलवाए। ज्यादा रेशो का क्या मतलब है? आपसे कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, एक कोशिश ये हो सकती है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है आप लोगों के लेवल पे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें साइन पी भी निकालना होगा, कॉस पी भी निकालना होगा, साइन आर भी निकालना होगा, कॉस आर भी निकालना, और यहाँ वैल्यू रखनी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा समझ सकते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिए। साइन पी हम निकाल चुके हैं, साइन पी हमारा आया है 4/5, ये हमारा साइन पी है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस आर निकालना है। कोई मुझे बताएगा कॉस आर क्या होगा? कॉस आर, कॉस होता क्या है पहले तो ये बताओ। हाँ भाई, कॉस होता क्या है? बी बाई एच। तो बी हमारा कितना है आर के लिए, आर के लिए हमारा बी है 4, हाइपोटेनस हमारा 5 रहेगा प्लस। अब हमारे पास है कॉस पी, तो कॉस पी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो बी बाई एच होगा, 3/5। शाबाश। अब हमारे पास है साइन आर, तो साइन के लिए हम आर निकाल चुके थे 3/5। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16/25 प्लस 9/25। तो 16 प्लस 9, 25/25, दैट इज वैल्यू 1। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है सिर्फ इतना सा, किस तरह का, कि भाई आपको ट्राइंगल दे दे, दो साइड दे दे, आप तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालें और फिर सारे आप रेशो निकाल दें, साइन कॉस टेन कॉसक, जहां वैल्यू रखवाना चाहे निकलवा लें। एक तो ये, इसी में आपसे कह दे कि इससे ज्यादा वैल्यू निकलवा ले, आपसे कह दे नहीं सर साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी निकालिए, तो वो जो भी कुछ निकलवाए निकलवा सकते। दूसरा होता क्या है, इसी पे आपसे कह दे कि नहीं भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और अब आपसे कह दे कॉस थीटा बताओ। अब यहाँ ट्राइंगल नहीं दिया है, यहाँ सीधा रेशो दिया है, तो हम क्या करते हैं साइन से हम कॉस निकालेंगे। साइन से कॉस हम कैसे निकालते हैं भाई, साइन हमारा 3/4 होता है लेकिन साइन होता है पी बाई एच, तो हम मान लेते हैं कि पी हमारा 3 है और एच हमारा 4 है, बेसिकली तो ये रेशो है और हम इसे मान सकते हैं 3x और 4x, लेकिन वो x बाद में कट जाता है तो आप ना भी माने तो भी कोई परेशानी नहीं। तो p हमारा 3 है, h हमारा 4 है, तो जो हमारी तीसरी रेशो रह गया, तीसरा पार्ट रह गया बेस, हमें वो बेस निकालना। अब इन तीनों में रिश्तेदारी क्या है आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है हमारा 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 16 - 9 क्या हो जाएगा भाई, तो बेस क्या हो जाएगा भाई, आया समझ में? नहीं आया? यस सर। यस सर। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। अब अगर हमारे पास एक चीज जी बोलिए बेटा, अभी आपने ऊपर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करिएगा थोड़ा सा, जो ऊपर आपने बताया था, आपने जैसे ही चेंज किया था ना कि साइन पी कॉस आर और फिर कॉस पी साइन आर, तो आप ऊपर उसमें बता रहे थे कि हम मतलब चेंज कर देंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वो एक और बार बता दीजिए। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास ये ट्राइंगल, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, सपोज करो ये 3, ये 4, ये 5, तो मैं आपसे कह रहा हूं साइन पी बताइए। तो साइन होता क्या है, साइन होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, लेकिन एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या है फाइव। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कॉस पी बताइए,
तो कॉस होता है बी बाई एच, लेकिन पी के लिए, एंगल पी के लिए बेस कौन है? बेस होता है बराबर वाला, परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, तो थ्री, हाइपोटेनस अभी भी फाइव है। तो ये तो वैल्यू आपने निकाली है पी के लिए, साइन पी कॉस पी। लेकिन अगर आपसे ये कहने लगे कि नहीं भाई अब आप निकालो साइन आर, आप क्या निकालो साइन आर। अब अगर आप साइन आर निकालोगे, साइन आर तो पी बाई एच ही होता है, साइन तो हमेशा पी बाई एच ही होना है, लेकिन अब आपको एंगल लेना है आर। तो अगर एंगल आर लोगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा? थ्री। और हाइपोटेनस फाइव। अब अगर मैं आपसे कहूं कॉस आर बताओ, तो कॉस होता क्या है? लेकिन आर के लिए बेस कौन है? आर के लिए बेस कौन है, उसके बराबर में कौन है? आप समझ में आ गया? अगर एंगल चेंज होगा बेटे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब सीधा सीधा सा है अपोजिट साइड, बेस का मतलब है एडजेसेंट साइड, बस इतना सा फर्क। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं सर हमें रेशो दिया हो, अगर रेशो दिया होगा तो रेशो से हम साइड दूसरी रेशो कैसे निकालते हैं? तो जैसे हमारे पास ये दिया था, हमने कहा था आपसे साइन थीटा दिया हुआ है थ्री बाई फोर, तो कॉस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो हमारा पी हो गया थ्री और एच हो गया फोर, तो अब हमारे पास कौन सा बचा? हमारे पास कौन बचा? बेस। तो बेस निकालना है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो एच को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच हमारे पास है फोर और पी हमारे पास है थ्री, तो हमारा बेस आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 7 होता है, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट 7। बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7। अब कॉस थीटा निकालना है, बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बी बाई एच। तो हमारा बेस कितना आया है? रूट सेवन अपॉन फोर। रूट सेवन। और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? आगे समझ में। तो दूसरा देखो, मान लीजिए आपसे कहने लगे कि सर टेन थीटा जो है वो वन है, और आपसे कहा जाए साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे टेन थीटा जो है वन है, तो वन को क्या मैं वन बाई वन लिख सकता हूँ? हाँ भाई, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन बाई वन। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? और बेस हमारा क्या हो गया? तो अब हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू। तो हाइपोटेनस कितना आ गया भाई? रूट टू। अब हाइपोटेनस अगर रूट टू आ गया तो साइन थीटा कितना होगा? वन बाई रूट टू। आ गई बात समझ में? तो एक पार्ट तो आपका ये है जिसमें आपसे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी निकालवा सकता है, ट्रायंगल देगा या एक रेशो देगा। अब दूसरा हमारे पास पार्ट क्या है कि हमारे पास होते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि एंगल अगर फिक्स है तो रेशो फिक्स है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास फाइव एंगल जिनकी हम बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री, और ये हमारे पास है साइन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ये सिक्स हैं। तो साइन जीरो कितना होता है, साइन थर्टी कितना होता है, साइन फोर्टी फाइव कितना होता है, साइन सिक्सटी कितना होता है, साइन नाइनटी कितना होता है, इसी तरह से कॉस के लिए पूछता है, टेन के लिए। तो अगर ये हमें टेबल आती है तो इस पे सीधे सीधे से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सीधे फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब आप सब बच्चे सिर्फ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सारे के सारे ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये मान लूँ, सारे जाग रहे हैं या सो रहे हैं कोई सा? जागे सर। जी सर। देखिए सर, अगर जाग रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूँ कि आप जो है ये मान लीजिए, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। जीरो वन टू थ्री फोर, इन सबको फोर से डिवाइड कर दीजिए। और इन सब का अंडर रूट ले लीजिए। तो इसको याद करने में तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या किया आपने? आपने क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर डिवाइडेड बाय फोर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो आपने किया है इससे जो भी वैल्यू आएगी वो साइन की आएगी। जीरो बाय फोर कितना होता है? जीरो। जीरो का स्क्वायर रूट कितना होगा? जीरो ही होगा। तो पहली वैल्यू जीरो आएगी। वन बाय फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा? वन बाय टू। वन बाय टू, तो दूसरी वैल्यू वन बाय टू आएगी। टू बाय फोर कितना होता है? वन बाय टू। वन बाय टू, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? वन बाय रूट टू। रूट थ्री का स्क्वायर रूट कितना होगा? थ्री बाय टू। और फोर का स्क्वायर रूट? वन। फोर का स्क्वायर रूट वन? सर फोर बाय फोर करेंगे वन हो जाएगा ना। अरे पहले पिछले वाले की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू है जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू, वन। तो ये वैल्यू है साइन की। अगर इन वैल्यूज को उल्टा लिख दें आप, यानी कि पहले आप वन लिख दें, फिर आप रूट थ्री बाय टू लिख दें, फिर बीच में आप वन बाय रूट टू ही रहने दें, फिर नेक्स्ट आप वन बाय टू लिख दें और लास्ट में जीरो लिख दें, तो ये वैल्यू कॉस की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? कॉस। समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। मतलब साइन की वैल्यू आपको सिखाई है, कॉस की वैल्यू सिर्फ आपको उसके रिवर्स लिखने से हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं अगर आपको टेन चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा बाय कॉस। ठीक है, साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए तो टेन आ जाएगा। जीरो बाई वन अगर आप देखेंगे तो जीरो ही होता है। वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो वन बाई रूट थ्री आएगा। वन बाई रूट टू से वन बाई रूट टू कट जाएगा तो वन आएगा, टू से टू कटेगा तो रूट थ्री आएगा। और वन अपॉन जीरो डिवाइड नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइन या नॉट डिवाइड या इनफाइनाइट, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? टेन थीटा की। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, अगर आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो ये आपका कॉट आ जाएगा। नॉट डिफाइन, रूट थ्री, वन, वन बाय रूट थ्री, जीरो। मैंने आपसे कहा था कि जो कॉसक होता है वो h बाई पी होता है, साइन p बाई एच होता है, कॉसक h बाई पी होता है। तो साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन की वैल्यूज हैं अगर उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीधा कॉसक आ जाएगा। मतलब पहली वैल्यू हमारी जीरो थी, तो जीरो का मतलब जीरो अपॉन वन, तो वन अपॉन जीरो। वन अपॉन टू का टू अपॉन वन, वन बाय रूट टू का रूट टू बाई वन, रूट थ्री बाई टू का टू बाई रूट थ्री, और वन का वन ही होता है उल्टा भी।
और सेक जो होता है इसका अगर रिवर्स ऑर्डर ले लें, इसी का अगर रिवर्स ऑर्डर ले लें तो वो सेक होता है। मतलब पहले वन लिख दें, फिर टू बाई रूट थ्री लिख दें, फिर रूट टू लिख दें, फिर टू लिख दें, फिर नॉट लिख दें। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो साइन कॉस टेन कॉसक सेक कॉट की होती हैं। इस एक्सरसाइज में, इस वाले उसमें क्वेश्चन में सिर्फ इस टेबल पे ही होता है। आपसे क्या कह सकता है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 की वैल्यू बताएं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है सीधा सीधा सा। तो आपसे कहता है यहाँ साइन 30 रख दो, टेबल में से देखोगे वैल्यू रख दो। कॉस 60 भी 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो सीधा सीधा सा हो जाएगा 1/4 और √3 √3 3/4, तो सीधा सीधा 4/4, तो 4/4 होता है 1। तो ये हमारे पास होता है साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे वैल्यू रखवाएगा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपसे कह दे, मान लीजिए साइन 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 और आपसे कह दे x बताओ। तो आपको करना क्या है, अगर आपसे ये कह रहा है कि साइन 30 प्लस एक्स √3/2 है, तो आप सीधा सीधा सा अपनी टेबल में देखोगे कि साइन में √3/2 कहाँ था। तो साइन में √3/2 कौन सा एंगल के लिए आ रहा है, 60 डिग्री। तो यानी कि √3/2 की जगह आप साइन 60 लिख दोगे। तो अगर दोनों तरफ साइन है तो आप क्या कहोगे कि भाई 30 प्लस एक्स 60 के इक्वल है, कंपेयर करने से एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 कितना होगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे कहते हैं सर कि सर tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आपसे कह दे a बताओ b बताओ, इस तरह से आपसे कह दे। तो आप क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, आप मुझे बताओ tan में 1 कब आता है, 45 डिग्री पे। अगर tan देखेंगे तो tan में जो 1 आ रहा है वो 45 के लिए आ रहा है और 1/√3 जो है वो 30 के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 1 रखेंगे tan 45। तो अब हम a प्लस बी को 45 के इक्वल रख सकते हैं और a माइनस बी 1/√3 है, उसकी जगह हम tan 30 रख देंगे, तो a माइनस बी को हम 30 लिख सकते हैं। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2a is equals to 75, तो a is equals to 75/2। अगर a की वैल्यू यहाँ हम रख दें 1 में तो b आ जाएगा, 75/2 प्लस b is equals to 45, तो b हमारे पास आ जाएगा 45 minus 75/2, 90 minus 75 15/2। इस तरह से हम निकालते हैं। आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ समझ में, जी सर जी। इल्मा इल्मा कैसा लग रहा है समझ में, ये बेटे सिर्फ फॉर्मूला भेजते हैं, इसमें आपको कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं, तो इसमें आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा जो टॉपिक होता है, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जी बेटे, अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड तो करता ही हूँ बेटा, आप देखना चाहें देख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास तीसरा टॉपिक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्चुअली सीधा सीधा सा मैं आपसे कहूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है एंड टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है एंड कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है एंड कॉसक 90 माइनस थीटा sec theta होता है एंड sec 90 माइनस थीटा cosec theta होता है। तो ये 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉसक सेक कॉट।
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है कि साइन चेंज हो रहा है कॉस में, और कॉस चेंज हो रहा है साइन में, टेन चेंज हो रहा है कॉट में, और कॉट चेंज हो रहा है टेन में, और कॉसक चेंज हो रहा है सेक में, और सेक चेंज हो रहा है कॉसक में, ये ध्यान रखना है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आपसे कहेगा कि साइन 20 माइनस कॉस 70 की वैल्यू बताओ। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज कहलाते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब यहाँ अगर आप सोचो कि साइन 20 टेबल में वैल्यू मिल जाएगी, नहीं, या कॉस 70 टेबल में वैल्यू मिल जाएगी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा मिलेगा, देखने से आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा कि भाई ये इनका जो सम है वो 90 है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हैं जिनका सम 90 है। तो इनमें से एक को हम चेंज करते हैं, एक को कैसे चेंज करते हैं सब बच्चे देख लीजिए, कि हम 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, या 70 को हम 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, किसी भी एक को 90 में से माइनस करके लिख सकते हैं। और अच्छी बात क्या होगी कि ये जो पेयर है 20 या 70, एक में से 90 में से एक को माइनस करो दूसरा आ जाता है, लेकिन चेंज एक को ही करना है। मैं एक बार दोनों को दिखा रहा हूँ, मान लो मैं 20 को लिख रहा हूँ, तो 20 को मैं लिखूंगा 90 माइनस 70, बट कॉस को मैं चेंज नहीं करूंगा। समझ में आ गया, हमने 20 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 70, बट दूसरे को नहीं गया, एक को ही करना है। अब अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा में, ध्यान रखना है। थीटा का मतलब ये, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो एंगल यहाँ है वही वाला एंगल यहाँ आएगा जो 90 में से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 90 में से 70 माइनस हो, साइन 90 माइनस हो तो कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ 70 है, तो साइन 90 माइनस 70 कॉस 70 में चेंज होगा, लेकिन दूसरा वाला भी कॉस 70 है, तो कॉस 70 से कॉस 70 माइनस हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। अभी मैंने 20 को चेंज किया था, अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, साइन 20 माइनस कॉस 70, इस बार मैं 70 को चेंज करना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा मुझे बताएगा कॉस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 70 लिखवा हूँ तो बच्चे फायदा ही क्या हुआ, चेंज होगा, लेकिन इस बार थीटा 20 है, तो आपके पास क्या आएगा, साइन 20 माइनस साइन 20, तो 20 से 20 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आया, जीरो। आगे समझ में, तो इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे मैं क्या कहूँ, आपसे मैं कह दूँ सर हमें बताओ टेन, ठीक है, 35 अपॉन cot 55, इसकी वैल्यू निकालो, 10 35 अपॉन cot 55 की वैल्यू निकालो। आपको सबसे पहले एक ही चीज देखनी है कि क्या इनका सम 90 है। जी यस yes. तो बताओ 35 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35, फिर वही 90 माइनस 35, मतलब 35 को 90 माइनस 55। तो सर एक चीज सही बोली ना, बार बार एक ही गलती कर रहे हो आप, जो नीचे लिखा हुआ उसी को माइनस करना है बेटे। अगर 55 को चेंज करना है तो 90 माइनस 35 लिखोगे, और 35 को लिखना है तो 90 माइनस 55 लिखोगे, बात खत्म। मतलब 10 35 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55, और नीचे कॉट 55 एज इट इज, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट में चेंज होगा, ध्यान रखना, थीटा 55 है और नीचे भी 55 है, फाइनल आंसर इज 1। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जरा, मैंने अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराया था उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए साइन 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 30 है, और अब मैं कह रहा हूँ एक्स बताओ, साइन 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 30 है, तो बताओ एक्स क्या होगा, सर 30 डिग्री। कैसे सर, साइन 30 प्लस एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा,
साइन 30 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन 90 सर हम तो 90 माइनस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 30 प्लस का फॉर्मूला कहाँ से पढ़ लिया आपने? एक मिनट, ऐसा मत करो सर, गड़बड़ गड़बड़, सही सही बताया करो। हाँ जी सब बच्चे, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि आप cos 30 को ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई वैल्यू ऐसी है जिसकी आप टेबल से वैल्यू देख सकते हो, क्योंकि आपको cos 30 की वैल्यू देखनी आती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। जो हमारे पास ये पांच एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो उनकी वैल्यू तो हम रख सकते हैं। तो cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 रख दी, लेकिन √3/2 को अब साइन में चेक करोगे कब होता है, तो √3/2 साइन 60 होता है। अब 30 प्लस एक्स 60 के इक्वल हो जाएगा, तो अगर 30 प्लस एक्स 60 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू 30 होगा, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 30। दूसरा ये था जैसे अभी हम करते आ रहे हैं कि अगर साइन 30 प्लस एक्स कॉस 30 लिखा हुआ है तो कॉस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60, तो यानी कि इस 30 को मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ। सब बच्चे बताओ यस और नो। यस सर। 30 को चेंज कर रहे हैं हम, कॉस को चेंज नहीं करा हमने, हमने 30 को 90 माइनस 60 लिखा है, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 60 हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइन है तो ये कंपेयर हो जाएगा, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, तो एक्स इज इक्वल टू 30। कितना सा करना? तो ये तीन टॉपिक हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पे सीधे सीधे से क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप एक बार ट्राई कर लीजिए तो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमारे पास एक टॉपिक रह गया, ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है हमारे पास? फॉर्मूला बेस्ड, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, इस पे ये हो सकता है कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्राइंगल दिया होता है। सब जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर ट्राइंगल दिया होगा और हमें टेबल पता है, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होगी तब भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल 60 है और ये जो है ये 5 है, तो आपसे कह सकता है ये बताओ, आपसे कह सकता है ये बताओ, तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास है क्या, हमारे पास है एंगल, हमारे पास है एक साइड, और जौन सी साइड हमें निकालनी है, मान लो पहले हम एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो उन तीनों में हम रिलेशन देखते हैं, उन तीनों में से। तो मान लीजिए 60 है, तो 60 के लिए 5 जो होगा वो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और जो मेरा x है वो क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के सामने, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में दो रिलेशन होते हैं, चाहे आप p by h लिख लो, चाहे आप h by p लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ p by h, तो p by h होता है साइन, लेकिन हम कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हैं? 60 के लिए। तो यहाँ पे हो गया p by h sin 60। अब सबकी वैल्यू रख दो, मतलब p की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू क्या है x, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो 2 5 10 √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/√3। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज दी हो, एक एंगल दिया हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। अब मान लो मुझे y निकालना है, तो अब मेरे पास क्या होगा, 5 दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो अब इन दोनों में रिश्तेदारी बना लेते हैं इसी एंगल के लिए, 60 के लिए। तो अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 5। बेस कितना दिया हुआ है? y। 10 60 कितना होता है? √3। तो 5/√3 इज इक्वल्स टू y, तो ये हमारे पास y आ जाएगा। आ गया समझ में? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ अब इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि भाई हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है,
और उस पेड़ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे कोई बच्चा बैठा है और वो पेड़ को देख रहा है, तो उसका जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री बना है, पेड़ की हाइट बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब फिर वही वाली बात, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक एंगल दे दिया, एक साइड दे दी, दूसरी साइड हमें निकालनी है। तो इस 30 डिग्री के लिए ये जो h है ये क्या है, या x मान लेता हूं, तो ये क्या है 30 डिग्री के लिए? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर। और tan क्या है? बेस, p by b tan, tan p by b tan हो गया, शाबाश। तो x by tan is equals to tan 30, yes or no? Yes sir। और tan 30 होता क्या है, टेबल में से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, 1/√3। जब तक ये क्वेश्चंस करें आपने सामने रख लीजिएगा, तो x की वैल्यू 10/√3 आ जाएगी। आ गया समझ में या नहीं आया? Yes sir। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चार टॉपिक हैं छोटे छोटे से, इनमें से अगर आप कोशिश कर लें, मैं देखता हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज है या नहीं बुक में, नहीं तो फिर मुझे डालना पड़ेगा।